So friends, this is part video part 2. Now we are going to understand our further idea of the Indian Constitution, and that is liberty and equality. So friends, what is meant by actually liberty? Liberty means actually independence. Ek tarah ka swatantra hi hai, but ye concept thodi vast hai. Ye concept thodi broad hai. So what type of freedom should be there? What type of freedom should be there in India to its citizen? So the term liberty means freedom of thought, expression, belief, faith and worship. So friends, in India any citizen got the freedom of expression, belief, faith and worship. Expression, thought, yani ki vichar swatantra hai na, हम विचार कर सकते हैं अपने मर्जी से, बिकॉज इंडिविजुअल इज एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक. सो किसी भी थॉट को फॉलो करने का, किसी भी थॉट को मानने का अधिकार हमें मिलता है. एक्सप्रेशन मतलब हम लोग व्यक्त हो सकते हैं, हम लोग अपने इमोशंस, अपने थॉट एक्सप्रेस कर सकते हैं. इट मीन्स वी कैन स्पीक. Okay, we can speak. Belief, विश्वास, किसी भी भगवान में, किसी भी रिलीजन में या किसी आइडियोलॉजी में हम बिलीव रख सकते हैं. वी आर इंडिपेंडेंट. फेथ, विश्वास, लिटरली दोनों का मीनिंग सेम है. वर्शिप, हम उपासना, फेथ यानी कि श्रद्धा, वर्शिप यानी कि उपासना, यानी किसी भी गॉड की हम वर्शिप कर सकते हैं. वी आर इंडिपेंडेंट. ओके, सो दैट इज लिबर्टी. So liberty, every citizen should be free to hold any belief and express his views freely. So liberty, जो ये word है, it gives us the freedom of expression and belief and faith. So it is very necessary in any country कि जो भी public है, वो public को अपने idea, अपने belief को पब्लिकली या किसी भी प्लेटफॉर्म पे रखने की इच्छा होती है, तो वो उसका स्वतंत्रता, उसका फ्रीडम होना चाहिए. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी डेमोक्रेटिक कंट्री. नंबर 3, ही शी कैन चूज एनी रिलीजन. सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि इंडियन सिटीजन इज फ्री टू बिलीव, फेथ एंड वर्शिप. तो किसी भी रिलीजन को वो चूज कर सकते हैं और किसी भी रिलीजन की प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है, नाउ इक्वालिटी. इक्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी कंट्री, क्योंकि इक्वालिटी है तभी बाकी सारे जो फीचर्स हैं वो इम्प्लीमेंट हो सकते हैं. इफ देर इज नो इक्वालिटी इन द कंट्री, सो इट मीन्स देर इज अ डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्टेड इन द कंट्री. सो वी कैन नॉट होल्ड एनी ऑफ द आइडिया ऑफ द कंस्टिट्यूशन. ठीक है, तो इक्वालिटी इज मस्ट. तो कंस्टिट्यूशन ने उस तरह का प्रोविजन करके रखा है कि all are equal. Constitution said that कि all are equal before the law and enjoy equal opportunities for their advancement. It means कि जो भी every individual of the country is equal before the law. If I belongs to any particular religion and my friend is belongs to any particular religion, तो यानी कि दूसरे religion से belong करता है, तो we can it means ki I am getting extra privilege and he is not getting extra privilege. To aise nahi hota hai ki jo bhi citizen hai, chahe wo kisi dharm ka ho, caste ka ho, religion ka ho, koi bhi creed ko follow karta ho, race ko follow karta ho, koi bhi vyakti ho, chahe even gender bhi ho. It means ladies and gents cannot discriminate based on their gender or sex. ठीक है, तो ये जो है कि every people are equal before the law. There should not be any discrimination based on the sex. Sex it is gender. स्त्री या पुरुष, female या male के बेस पर, कोई महिला है तो उसको low payment या low category की treatment, और कोई gents है तो उसको अच्छे ट्रीटमेंट, ऐसा कुछ नहीं है. रेस दैट इज कोई भी पंथ का हो, रिलीजन का हो, कास्ट का हो, क्रीड का हो और कलर का हो. सो एवरी सिटीजन इज ट्रीटेड इक्वली बिफोर द
लॉ बेस्ड ऑन द कास्ट कलर जेंडर रिलीजन इसके ऊपर कोई भी हम लोग क्या कर सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते ठीक है सो दीज आर दी ग्रेटेस्ट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आई होप यू अंडरस्टूड एंड इन द नेक्स्ट पीरियड आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द नेक्स्ट फीचर थैंक यू